नाग और नागिन पाली साहित्य में और प्राकृतिक भाषा के अंदर जो नाग शब्द है ये बहुत प्रचलित शब्द है। नाग दरअसल हाथी को नाग बोला जाता है पुरानी भाषा में, जहां पाली प्राकृतिक बोली जाती है और आसपास के सभी क्षेत्र में। नाग का जो दूसरा अर्थ है या दूसरा मीनिंग है, मतलब है वह जो नाग वंश होता है, यानी जिसमें व्यक्ति पुरुष महिला या नाग कुल या नाग वंश या नाग राजा होते हैं, जहां लोग रहते हैं, जो श्रेष्ठ लोग हैं, अच्छे लोग हैं, उनको नाग कहा जाता है। और जो हाथी की सूंड की तरह बेल होती हैं या हाथी की सूंड की तरह कोई पौधा होता है, उसको भी नाग बोला जाता है। बहुत बाद में जब भाषा पाली संस्कृत की गई और बहुत बाद में ये चलन हुआ कि सप को भी नाग कहने लगे। दरअसल सप का जो मतलब है पाली में वो है सरकना और जाना, यानी सरक सरक के जाना वाला कोई भी चीज़ होती है उसको सप बोलते हैं। अधिकतर उस समय जो सांप जाते थे, स्नेक जाते थे, तो उनको सप और सांप दोनों पड़ गया। सांप और सर्प जो बोला जाता है ये सांस्कृतिक भाषा में है, क्योंकि संस्कारित भाषा के अंदर जो चांद बिंदु होता है आँख के ऊपर लगता है और जो आधा रह लगता है वो पाली में नहीं होता, इसलिए सप का बाद में सर्प और सांप बन गया आज की डेट में। मगर नाग शब्द इतना प्रचलित है और इतना प्रमुख है नाग शब्द, कि नाग जो लोग थे जब उन्होंने अपनी राज खोया और अपनी ख्याति खोई और नाग वंश जब डेस्ट्रॉय हो गए, ख़त्म हो गए, मगर नागों की जो निशानियां हैं, नागों के जो राजाओं के जो चिन्ह हैं और जो नाग भाषा और जो पाली भाषा और जो नाग शहर और गाँव थे वो नहीं बदल पाए, इसलिए उनका इतिहास ऐसा का ऐसा सुरक्षित रहा, खासतौर से पाली भाषा के अंदर। थोड़ा सा अगर ध्यान लगाएंगे और थोड़ा सा भी अगर देखेंगे तो आपको नागों की पूरी हिस्ट्री मिल जाएगी जो अनंतनाग से चलती है। कहते हैं कि अनंतनाग में जो राज था पूरा जो जम्मू कश्मीर के अंदर है, वहाँ से 12 नाग राजा निकले हैं, जो एक शेष नाग या वासुकी नाग या बहुत सारे जो नाग राजा हैं उनके आते हैं, नाम आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगे। ये जो नागवंश चला आ रहा है, नागवंश क्योंकि मुस्लिंद एक नाग राजा था और मुस्लिंद ने जब भगवान बुद्ध ने विपस्सना की, तपस्या की, तो उसने उनको छत्र छाया दी और वो तूफान से और जो वहाँ वर्षा हो रही थी, बारिश हो रही थी, उससे उनको शेल्टर दी और बचाया। मुस्लिंद का यहाँ रोल रहा है। और आपने फोटो भी देखी होगी जिसमें 5 मुंह वाला जो नाग है वो भगवान बुद्ध की बारिश से रक्षा कर रहा है। इसका जो प्रतीक चिन्ह है वो यही है कि मुस्लिंद राजा जो 5 सील मानते थे वो उनकी रक्षा करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे और उन्होंने उनकी रक्षा भी की। अगर हम हाथी की बात करते हैं, जब नाग का मतलब हाथी होता है तो नागवन जो होता है जिसमें हाथी रहते हैं उसको नागवन बोलते हैं। नाग दंत का मतलब है कि नाग की हड्डी यानी दांत से बनी हुई जो खुंटी है उसको नाग दंत बोला जाता है। नाग दीप, नाग बल और नाग बला। नाग दीप का मतलब है जहाँ नाग रहते हैं, ये जाफना को बोला जाता है। जो सिंहल द्वीप है, जो आज का श्रीलंका है या सीलोन है, उसका जो उत्तरी भाग है उसको जाफना बोलते हैं। वहाँ बहुत हाथी पाए जाते थे इसलिए उसको नागदीप बोलते हैं। नाग बल का मतलब है जिसमें हाथियों जैसा बल हो, और नाग बला का मतलब है जिसकी सूंड जो लता इतनी मोटी और तगड़ी है, जो बेल है जो हाथियों की सूंड की तरह मजबूत है, उसको नाग बला बोला जाता था। अगर हम बात करते हैं कि नाग मनुष्य थे, श्रेष्ठ मनुष्य थे, तो नाग राजा हैं, नाग लोक हैं, नाग माणवक है, नाग माणवक और नाग माणविका। जो तरुण स्त्री होती है नागवंशियों की, युवक होता है, यंग होता है, उसको नाग माणवक बोलते हैं। ये कहानियों में भी आता है माणवक। और जो माणविका होती है नाग माणविका, यानी नागवंशियों की, नाग राजाओं के परिवारों में जो तरुणी होती है, जो नवयुवती होती है, उसको नाग माणविका कहते हैं। एक बहुत प्रचलित शब्द है, अगर आप ध्यान देखें, क्योंकि नाग चारों तरफ बिखरा हुआ है, जहां जहां नाग रहते थे उस जगह का नाम था नगर, और इस नगर से ही नागरिकता बना है, और इस नगर से ही विमान नागरन बना है, जो हम नागरिकता बोलते हैं या नाग शहर बोलते हैं या नगर बोलते हैं, वो इसी नाग से बना हुआ है। यानी नाग लोग जहां रहते थे उसको नगर बोलते हैं। ये इस बात से सिद्ध होता है कि भारत में चारों तरफ चूंकि नगर नगर बिखरे हुए हैं, तो वहाँ जो लोग रहने वाले हैं वो सारे सारे नाग लोग हैं, इसलिए उसको नगर बोलते हैं। नगर से ही नगर पालिका बना है।
और जो नाग है यानी जो नाग है उसके बहुत सारे चिन्ह मिलते हैं, जो शहर मिलते हैं, जैसे नागलोई है, नागपुर है, नागालैंड है, नंगला है, नागल है, नागौर है, नागापट्टम है, नागपुरम, नागरकोइल, नागापट्टी, नागर हवेली, अनंतनाग और नागालैंड नाम का तो एक राज्य है ही जो आप सब जानते हैं। नागों की एक भाषा भी है यानी लिपि भी है जो जिसको देवनागरी बोलते हैं। देवनागरी का मतलब है ऐसा कोई नाग है जो पंसील को जानता था, देव था, और रू माने होता है जो आवाज़ आती है, जिसको हम आवाज़ शुरू शुरू में जो बच्चा करता है अटरिंग करता है उसको रू बोलते हैं। तो देवनागरी, देवनागरी नागों की ही लिपि है जो उन्होंने बनाई है। और नागों के अगर नाम लिए जाएं, क्योंकि नाग से संबंधित जो लोग नाम रखते थे तो उसमें नाग मुनि है, नाग इंद इद है, नाग ईसी है जिसको नागेश्वर बोलते हैं या नाग मुनि बोलते हैं या नागमणि, नेगी है, नागमुनि है, शेष नाग, नागार्जुन है, नागदेव है, नागसेन थेर है, ये सारे के सारे जो नाम हैं ये सारे के सारे नाम उसमें आते हैं। और अगर हम फेस्टिवल की बात करें तो नाग पंचशीलंग यानी नाग पंचमी जो है वो बहुत प्रमुख है नागाओं का, जहाँ वो पंचशील का उत्सव मनाते थे, इसको नाग पंचशीलंग बोलते हैं या नाग पंचमी बोलते हैं, जहाँ नाग लोग सारे के सारे बनाते हैं। एक बात बहुत ध्यान देने की है कि सांप कभी भी दूध नहीं पीता मगर नाग पीता है। नाग जो मनुष्य है वो दूध पीता है, इसलिए लोग नाग को दूध पिलाते थे ताकि वो बलिष्ठ रहें। सांप दूध नहीं पीता क्योंकि रेप्टाइल जो होते हैं, जो सरकने वाले जीव होते हैं, अगर वो दूध पिएंगे तो वो मर जाएंगे, उनके अंदर एंजाइम नहीं होते, इसलिए नाग को दूध पिलाया जाता है। जो नाग पंचमी में नाग को दूध पिलाया जाता है वो नाग जो लोग हैं उनको पिलाया जाता है, सांपों को नहीं पिलाया जाता, सांप नहीं पीते, सांप से कोई लेना देना नागों का नहीं है। ये नागों का एक फेस्टिवल रहा है जहाँ नाग लोग अपना पूरा एक्सरसाइज करते थे और उनको दूध पिलाया जाता था। नाग इच्छाधारी भी होते हैं, सांप कोई इच्छाधारी नहीं होते क्योंकि सांप तो एक रेप्टाइल है, एक सरकने वाला जीव है, मगर नाग जो होते हैं वो इच्छाधारी होते हैं। आपने नाग और नागिन दोनों सुना है क्योंकि एक परिवार के अंदर श्रेष्ठ पुरुष भी होते हैं और श्रेष्ठ महिला भी होती हैं, सेठी महिला और सेठी पुरुष भी होते हैं, इसलिए नाग और नागिन दोनों साथ चलते हैं, जोड़े में चलते हैं, मगर सांप कभी जोड़े में नहीं चलते क्योंकि सांप अलग होता है। आपने सांप सुना होगा मगर सांप को नागिन से जोड़ दिया है, कहते हैं पिक्चर आती है तो उसमें सांप दिखाया जाता है वो नागिन की तरह होता है, जबकि ये क्या होता है, नाग और नागिन होते हैं और ये इच्छाधारी होते हैं। इच्छाधारी का मतलब है कि ये अपनी इच्छाओं को अधिकार रखते हैं, अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल रखते हैं, अपनी इच्छाओं पर अधिकार रखते हैं, इसलिए इनको इच्छाधारी नाग और इच्छाधारी नागिन बोला जाता है। जो लोग नागवंशीय हैं उनकी पहचान बाद में ऐसा करके दी गई जैसे उनके गले में सांप पड़ा है और वो सांप को ही नाग कहने लगे और नागवंशीय हो गए। मगर जो नाग है और जो नागिन है उसकी एक कहावत बड़ी मशहूर है, चाहे तो ये किदवंती है, कि वो अपने दुश्मन को कभी नहीं भूलता, यानी नाग और नागिन अपने दुश्मन को हमेशा याद रखते हैं और हमेशा अपना बदला लेने के लिए तैयार रहते हैं। ये नाग और नागिन की खास बात होती है। हो सकता है ये किदवंती हो सकता है ये सच है, जैसा कि किदवंतियों कहानियों में है और सच भी हो सकता है। ये नागों की पूरी कहानी है, भारत पूरा नागों से भरा पड़ा हुआ है। धन्यवाद।